अच्छा सुनो, उस दिन जो लड़की मेरे घर पर आई थी वो तुम ही हो ना? हाँ सर। तो फिर इस तरह ओवरटेक करके तुम सामने क्यों आई? आपसे मिलने के लिए सर। मुझसे मिलने के लिए? हाँ। ये मेरे करीब आना चाहती है। हाँ बोलो। सर मैंने आपके नंबर पर कुछ फोटोज भेजी हैं सर। ओ, तो वो तुम ही हो क्या? सर आपके ही लोग आपका नाम इस्तेमाल करके गलत काम कर रहे हैं सर, जिससे पार्टी में आपका नाम खराब हो रहा है। आपको यही बताने के लिए मैंने वो फोटो सेंड की है सर। अच्छा सुन, आज अपना कुछ प्रोग्राम वगैरह है क्या? आज दोपहर 2 बजे किसान लोगों ने आपको मुबारकबाद देने के लिए सभा रखी है सर, और उसमें आपको शामिल होना है। मलिका की उम्र हो गई है यार। अबे मुबारकबाद का प्रोग्राम तुम लोग सुबह नहीं रख सकते हो क्या? राहु केतु चंद्र, देखो कल सुबह ठीक 10 बजे तुम मेरे घर पर आकर मिलो। ओके सर। अपने बीच बहुत सारे मैटर्स हैं। ओके सर। हाँ जी, तुम कूलिंग ग्लास में बहुत खूबसूरत दिखती हो। ओके सर, थैंक यू सर। नो मेंशन। चलो गाड़ी निकालो। संभल के जाना, संभल के। चलो जल्दी करो। रुक जा, उस लड़की को जाने दे, अभी तक उसे पीछे से नहीं देखा। भाई जा रहे? आप जो कर रहे हैं वो सही लग रहा है भाई। झूला हिला भाई, टाइम हो गया है, बहुत सारा काम है, बाहर भी जाना है। जाएं क्या? क्या काम है? पता नहीं भाई। वही तो, जो काम करते हो उसके बारे में पता नहीं। जीप लेकर गली गली डीजल खत्म करते रहते हो, और इस वक्त तुम इसके लिए सिफारिश लेकर आए हो। चल जा यहाँ से। ऐसी बात नहीं है भाई, भाई को आप प्यार से डैडी डैडी करके बुलाएंगे तो वो खुशी से बाहर जाएंगे। आज के बाद वो मेरा बाप नहीं, मैं उसका बेटा नहीं। उस आदमी को पर तो मैं खुद भी गुस्सा हूँ। आप गुस्सा है? आखिर ऐसी क्या बात हो गई भाई? क्या हुआ? आज एक आदमी के सामने थिएटर में टिकट फाड़ने जैसा मुझे फाड़ दिया। ये आदमी भैंस की तरह खड़ा होकर देख रहा था वहाँ पर। वो मार रहा था वो तो ठीक, इसके अलावा इसने तो मुझे मार दिया, मेरे नाक बहरा। और ये आदमी उसी से हाथ मिला के उसके साथ सेल्फी ले रहा था। क्या मेरे बाप के लायक है? तुम मेरा मेरा घर छोड़ के जाओ। 5-10 दिन बचे हैं भाई, प्लीज। मैं भी पूछने ही वाला था, जब से आया हूँ तब से 5-10 दिन बोल रहे हो तुम लोग। 10 दिन के बाद तुम लोग क्या करने वाले हो? हैं 10 दिन के बाद आपसे तो नहीं बोलेंगे ना? है? बोलूंगा नहीं, क्यों नहीं? 10 दिन के बाद तुम मुझे कहीं और भेजने वाले हो क्या? बात क्या डैडी? बेटा तुम्हें मार खाता देखकर भला तुम्हारे डैडी को गुस्सा नहीं आएगा क्या? तुम ही बताओ कहाँ आया था? मुझे तो इतना गुस्सा आया था, दिल कर रहा था कि थिएटर की एक एक ईंट को उखाड़ कर फेंक दूं। ये देखो, ईंट उखाड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जिसे मारा उसे उखाड़ो। उखाड़ सकता था लेकिन हमारी जो राजनीति का धंधा है ना, उसमें सामने से नहीं पीठ पीछे से वार किया जाता है बेटा। ओ अच्छा, तुम लोग भी उसी ग्रुप के हो? अरे सब एक ही ग्रुप है, लेकिन सिर्फ कलर अलग अलग है। जी जी, नीचे करो तो पक्का उसे मारोगे ना? अरे तेरे सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, उसे मारूंगा। अरे वाह, आप तो एकदम वैदिक मैच की तरह से बोल रहे हो। डैडी, बेटा, डैडी, बेटा, डैडी साइनस है क्या? अरे वो क्या है कि नाक में तेरा काला सरिया चला गया, इसीलिए मुझे कोई साइनस नहीं है। डैडी, बेटा, डैडी, बेटा, डैडी, बेटा। एक्सक्यूज मी सर। अरे मुझे छोड़। अरे जरा सामने से। Yes, what do you want? सर मर गए, अब सिर्फ मैं ही सर हूँ, देख लो। मिनिस्टर सर से मिलना है। मिनिस्टर? सर ये सुनने मेरे टकले हुए। स्वीट बिगिन विद द लव इज स्वीटर देन द स्वीट्स। मेरा बाप अगर उसे छूगा तो मैं उसे दिखाता हूँ। सर मैं इधर ही बैठ। हेलो सर। वेलकम वेलकम, यू आर वेरी गुड टाइम कमिंग। सही टाइम पर आई हो। करेक्ट टाइम पर नहीं आएंगे तो क्या करोगे? मैं देख लूंगा। क्या देख लोगे? हम दोनों अकेले में चलकर बात करते हैं। अकेले में ले जाओ। इसके शोल्डर से हाथ हटा। इधर आ, जल्दी आ, घुटने पे बैठ। बोलिए भाई, अभी तेरे भाई का टाइम नहीं हो रहा है क्या? पर अभी तो वो मीटिंग के लिए अंदर गए ना भाई। इधर से जाकर उस लड़की की इज्जत बचा, वरना वो प्रॉब्लम में डाल देगी। जा। अच्छा तुम कितनी पढ़ी लिखी हो? पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है सर। हाँ? हाँ। इसीलिए क्लोज आ गई, एक ही डिपार्टमेंट है। सर, पर आप जितने भी अच्छे काम करते हैं उस बारे में यंगस्टर्स को पता होना चाहिए, तभी आपके सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ेंगे। अब अगर आप मुझे अपना सोशल मीडिया मैनेजर रख लें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ सर। वैसे तो मुझे रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच सर। कल सुबह, कल सुबह ठीक 8:29 पर तुम अंदर घुसोगी तो अपना काम शुरू हो जाएगा। ओह थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कितना स्वीट बोलती हो तुम। दयाल, उस दिन तुम्हारी गाड़ी को जिसने रोका था ना, वो सिंगाराम का रहने वाला है, नाम है राजा। उसके हाथी का नाम भीमा है। क्या नाम है उसका? राजा। राजा।
मेरे भीमा मेरे प्यारे क्या बात है, क्या मसाज कर रहा है तू? मसाज कर रहा है क्या? क्या हुआ? मैं दो दिन के लिए तुम्हें छोड़कर क्या चली गई? तुम शांति से नहीं रह सकते ना? तुल्स, मैंने क्या किया यार? तुमने उस हीरोइन के साथ जो डांस किया वो पूरे गांव ने देखा। ओहो तुलसी, तुम सीन समझे बिना ही कुछ भी बोल रही हो। अरे वो तो पुलाची आई थी। तुमने बुलाया और वो आ गई ना? अरे वो लोग पुलाची में शूटिंग के लिए आए थे। कर लिया, मैंने विश्वास कर लिया। ए, कल एक शो कैंसिल हो जाता पता है तुम्हें, तो उनके हाथ पैर जोड़कर उनके सामने डांस किया मैंने। अब तुम्हें लाकर मैं डांस करा सकता हूँ क्या? क्या देख रही हो, तुम्हें डांस करना आता है क्या? बिल्कुल आता है, पर उसकी तरह बेशरम होकर सबके सामने नहीं कर सकती मैं डांस। देखो तुलसी, एक हेल्प मांगी तो उसने सोचे बिना ही अपनी हेल्प कर दी। उनके बारे में गलत मत बोलना। देखा तुमने, ए भीमा, उसके बारे में बात करते तुम्हें गुस्सा भी आ रहा है। अरे भीमा एक सेकंड रुक जा यार। ए हट, बातें करें ना, वहाँ जाना, जब देखो तब करते रहते। क्या सोच रही हो तुम? जब से आई हो तब से देख रहा हूँ बस चिल्लाती जा रही हो, अभी बेवजह इसे क्यों चिल्ला रही हो? ये बेचारा जानवर है। सॉरी यार, सॉरी, आई एम सो सॉरी। अब उसे ही गले लगा कर रोना तुम। जाना जा। क्या हुआ बे? मनाने के लिए बोल रहा है? मैं इस वक्त नहीं जा सकता, इसका हर टाइम का नखरा है। अच्छा जाके मनाऊं क्या? ए तुल, रुक जाओ ना तुलसी। तुमने भीमा को डांटा इसलिए मैंने गुस्सा किया। अरे तुम रुक क्यों नहीं रही हो? अब तो मुझे शक हो रहा है तुम सच में डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हो या नहीं। हाँ? तो फिर तुम बेवकूफ हो क्या? मैं अर्पिता कोई नहीं, प्रियंका, दीपिका, करीना, करिश्मा, चाहे कोई भी हो, स्मिता पाटिल को भी पसंद करता हूँ, तो इसलिए तुम मुझ पर शक करोगी क्या? अरे बाप रे, कुछ तो सोच रही है। किसी भी तरह इसे आज संभाल लिया लगता है मैंने। क्या है, सॉरी बोलने वाली हो? नहीं, आज के बाद मैं झगड़ा नहीं करूंगी तुमसे। यही बात तुम हमेशा कहती हो, झगड़ा नहीं करोगी ना? सच कह रही हो, नहीं करोगी ना? सही में तुम पे विश्वास कर सकता हूँ? देख वो अकेला खड़ा है, यही अच्छा मौका है। इंजेक्शन लगा, जल्दी।